हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड एंजल थेरेपिस्ट। आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को कि बीपी हाई और बीपी लो होने पर हम कैसे हीलिंग करें। अक्सर गर्मियों में बीपी हाई बीपी लो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। एक तो खान पान का रूटीन चेंज होता है और किसी का बाहर आना जाना होता है, जिसके कारण कि कई बार हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर ओवर एज के लोगों में ज़्यादा देखी जाती है और उसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप रेकी हीलर हैं, चाहे एंजल थेरेपी हैं, थेरेपी का आपने ट्रेनिंग लिया है, या रेकी में आपने फर्स्ट लेवल से ग्रैंड मास्टर तक किसी भी लेवल का अगर आपने कोर्स किया है, तो आप अपनी प्रॉब्लम को हील कर सकते हैं। जैसे कि रेकी के अगर आपके पास सिंबल्स हैं, तो आपको कौन कौन से सिंबल्स ड्रॉ करने हैं बीपी हाई बीपी लो में और किस पार्ट पर एग्जैक्ट करना है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। रेकी में जो फर्स्ट हीलिंग हम स्टार्ट करते हैं, नंबर वन से लेकर के आपको सिक्स पॉइंट तक आपको ये पूरा सिर का एरिया कवर करना है। जब आप अपने थर्ड आई पर हाथ रखेंगे तो लेफ्ट हैंड आपको अपने थर्ड आई पर रखना है और ये जो राइट हैंड है उसको बैक साइड में रखना है, जहाँ पे लेडीज़ पीछे बैक साइड में सिर के पीछे जुड़ा बनाती हैं, तो वहाँ पर आपको हाथ रख करके हीलिंग देना है। वन से सिक्स पॉइंट तक यहाँ पर आपको देना है। नॉर्मली हीलिंग हम 3 मिनट का करते हैं, लेकिन जब हमारी बीपी हाई बीपी लो हो तो ये क्राउन चक्रा का जो ये सिर का जो ऊपरी हिस्सा है, इसमें अक्सर गर्माहट पैदा होती है, उलझन बेचैनी पैदा होती है। ये ना हो, बॉडी पूरा रिलैक्स रहे, थॉट हमारा रिलैक्स रहे, हम शांत रहें, इसके लिए आपको जिसके पास सिंबल्स हैं, मैं उसके लिए सबसे पहले बता देती हूँ, उनको होंसा जेशोनेन सेहे की चोकुरे दैकोम्यो शांति और ज्योनार सिंबल, इन सिंबल्स का आपको वन सेट में, खुद की हीलिंग कर रहे हैं तो वन सेट सिंबल्स को आपको ड्रॉ करना है। अगर दूसरे को हीलिंग दे रहे हैं, यही बीमारी है, तो उसके लिए ये सारे सिंबल्स जो मैंने बताए हैं अभी, ये 2 सेट में आपको ड्रॉ करना है। और जिसके पास सिंबल्स नहीं हैं, वो सिर्फ हाथ रख करके 6 पॉइंट पर हीलिंग देंगे। कोशिश करें कि नॉर्मली हीलिंग हम 3 मिनट की देते हैं, तो यहाँ पर अगर आप 10 मिनट बढ़ा देते हैं पर चक्रा पर, आपकी ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी से ठीक होने वाली है। उसके बाद आप लंग्स पर भी हीलिंग करिए, अपने हार्ट चक्रा पर हीलिंग दीजिए, रूट चक्र पर दीजिए, थाइस पर दीजिए, नीज पे, फुट सोल पे। तो क्या होगा कि एक तो हीलिंग का टाइम भी कम हुआ और पूरे बॉडी को वो एनर्जी मिल गई। इस तरह अगर आप हीलिंग करेंगे, अगर डेली ये रूटीन में बन चुका है कि बीपी हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है, चक्कर सा फील हो रहा है, उठ करके अगर आपको जाना है, वॉशरूम जाना है, कोई काम करना है तो चक्कर सा महसूस हो रहा है, तब तो आपको ये हीलिंग कम से कम 15 दिन कंटिन्यू करना चाहिए। एक टाइम मॉर्निंग में सेशन चला लीजिए और एक टाइम नाइट में आप सेशन चला लीजिए। नाइट में टाइम नहीं मिल रहा है तो इवनिंग में मिल रहा है, इवनिंग में कर लीजिए। थैंक यू।